योर कॉपी और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट डाउन 1 क्वेश्चन। और अगर 5 मार्क्स में हम बात करें, इसका ए पार्ट ये है, देन बी पार्ट हो। एक्सक्यूज मी मैम यस टेल मी। मैम प्लीज ज्वाइन जी सेक्शन। जी सेक्शन कहां पर है? अभी जी सेक्शन हमारे पास आया नहीं। वी डोंट हैव जी सेक्शन अभी। चलिए राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्यूज सेल्फ रेस्पिरेशन। हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ रेस्पिरेशन। हाउ डाइजेशन एंड सेल रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। हाउ डाइजेशन, लिख लो बेटा, 5 मार्क्स क्वेश्चन ऊपर लिख लो। 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन। टीचर्स प्लीज चेक, वी डोंट हैव यू नो 7th D, 7th F एंड 7th G। 3 सेक्शंस हमारे पास नहीं आए हैं। अगर कोई टीचर आपके साथ में ही है ये सेक्शंस, तो प्लीज चेक 7th D, 7th F एंड 7th G। एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा। मैम 7th है वो क्लास सेट कर रही है मैम वो चल नहीं रही है अभी। अच्छा7th D भी नहीं है हमारे पास, 7th G कल भी नहीं थी, 7th G वाले मर्ज तो नहीं है कहीं पर। No. चलिए राइट डाउन फटाफट से ये क्वेश्चन करो। 7th A, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, सो आई मे आस्क, इट इज हरप्रीत सिंह, 7th A। हरप्रीत, टेल मी द डिफरेंट 5 स्टेप्स मैंने कल बताए थे आपको, डू यू रिमेम्बर? सबसे पहले क्या होता है रेस्पिरेशन में, आप बोलो। फर्स्ट स्टेप इज, अच्छा आपके पास कॉपी है? सबसे ब्रीथिंग पहले, कोई और नहीं बताएगा बेटा, सबसे पहले है ब्रीदिंग। बिल्कुल ठीक है आपका, लेट हिम टेल, ताकि कोई ये एग्जाम में कर पाए। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग। उसके बाद बेटा ब्रीदिंग में आपने ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले ली, लंग्स में ले ली। लंग्स से कहाँ जाती है ऑक्सीजन? कौन लेके जाएगा ऑक्सीजन? कौन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कौन सी चीज मूव कर रही है रेगुलरली? किसके
की तरफ नहीं देखना, स्क्रीन पे देखो और आंसर करो कि विच, कौन सी चीज ऊपर से नीचे, कौन सी चीज मूव कर रही है। इधर देख ये आपके हाथों में, अपने हाथों में देखो, ये ब्लू कलर की क्या नजर आ रही है आपको, ब्लू कलर की वेन में क्या है, वेन के अंदर क्या चीज फ्लो कर रही है, ब्लड। ब्लड तो ब्लड क्या करता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड इधर से उधर मूव कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, क्या कर रहा है ब्लड, क्या फंक्शन है मेन। बेटे डिफरेंट चीजों का ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स इधर से उधर, उधर से इधर, फैक्ट्रीज तो नहीं ना मूव करती, ट्रक्स मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ट्रक्स मूव करके, ऑन कर ऑन कर, हाँ ट्रक्स मूव करके क्या कर रहे हैं, ट्रकों में क्या भरा होता है सामान, यस और नो, यस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं कि स्टमक उठ के या इंटेस्टाइन उठ के यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, किडनी उठ के कहीं चली जाए, ऐसा तो नहीं होता, नो ऑन बट ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन सारे सेल्स में जा रही है, फूड इंटेस्टाइन से सभी जगह जा रहा है, ठीक है, कौन लेके जा रहा है, यस टेल मी। अभी मैंने बताया था क्या चीज मूव कर रही ब्लड है, तुमको मैम, पता लगे, 7 थी, 1 मिनट बेटा, लेट हिम टेल, क्या चीज मूव कर रही है, अभी बताया आपको बेटा, ब्लड मूव कर रही है, और ब्लड का क्या फंक्शन है, जो ट्रक्स का फंक्शन है वही ब्लड का फंक्शन है, क्या फंक्शन है ब्लड का, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो ब्रीदिंग में हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर लेके गए, लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई, यस और नो, उसके बाद लंग्स से ट्रांसपोर्ट होनी है, यस, सभी जगह जानी है, सभी सेल्स के अंदर जानी है, तो सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ध्यान से सुन, और ये तुमने दोबारा से रिपीट करनी है चीजें, सेकेंड स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि लंग्स में से ऑक्सीजन, वेयर इट इज गोइंग इनटू ब्लड, ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑक्सीजन गोज फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, ठीक है, दैट इज एक्सचेंज, है ना, हम पड़ोसियों के साथ एक्सचेंज करते हैं ना, कि हमारे घर में साग बना हुआ है, तुम्हारे घर में कढ़ी बनी हुई है, लो भाई एक कटोरी तुम साग ले लो, हमें एक कटोरी कढ़ी दे दो, दिस इज एक्सचेंज, लाइक वाइज देयर इज एक्सचेंज, एवरीबडी हियर, सेवंथ है, मेरी आवाज आ रही है, सेवंथ है, यस, देन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। नाउ टेल मी क्विकली, लंग्स में कौन सी एयर है, ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सो लंग्स से ब्लड जा रही है ऑक्सीजन, और ब्लड से लंग्स में क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सेकंड है एक्सचेंज। चलो आपके साथ जो लड़का बैठा हुआ है ना, आपने यहीं खड़े होना, ही विल टेल अस द नेक्स्ट स्टेप, हाँ बताओ, इसको दो माइक, किसको, हमारी क्लास अभी ज्वाइन हुई है तो दोबारा से बताना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सेवंथ बी, बेटा आपने जाना नहीं है सेवंथ ए, आप यहीं खड़े रहो, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, हरप्रीत, हाँ कॉपी लेके आओ पहले, अपनी कॉपी का है आपकी, हाँ इसमें कल जो हमने लिखा था थर्ड स्टेप बताओ क्या लिखा था हमने, लास्ट में ही किया था हमने,
हाँ जी, चलिए सेवंथ बी से हम पूछते हैं। सेवंथ ए, हाँ जी बेटा, कॉपी से देख के बताओ कि थर्ड स्टेप क्या है। ऑन करो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यस, ट्रांसपोर्ट कहाँ से? ब्लड से। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। हाँ, फोर्थ स्टेप बताओ बेटा। गैसेस कहाँ पर? ये तो था बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। यहाँ पे क्या? एवरीबडी शुड चेक देयर प्रीवियस क्लास नोट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन मैम, ब्लड एंड मैम सेल। यहाँ पे भी एक्सचेंज था, बट ये किस में था? लंग्स एंड ब्लड में। यहाँ पे ब्लड एंड सेल्स, एंड फिफ्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है हरप्रीत, गलत तो नहीं होगा अब ये? चलिए, गो टू योर सीट। थैंक यू। नाउ हु विल टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये राइट वेरियस स्टेप्स हमने ये किया है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेल रेस्पिरेशन। यस, हु विल टेल मी? सेवंथ ए। सेवंथ ए में हम बात करते हैं निखिल। निखिल इज देयर? निखिल, निखिल को पता है? और निखिल को नहीं पता तो सिमरत पाल। हाँ जी, निखिल आजा 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 आजा, कुछ तो पता है, आजा। यस निखिल, छोड़ो कॉपी को, छोड़ो क्योंकि कॉपी में ये नहीं हमने लिखा, कॉपी बंद करो। व्हाट इज ब्रीदिंग? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट CO2, इट हाँ, इधर सामने देख, स्क्रीन पे देख बेटा निखिल। हम जो सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, करते हैं ना? अंदर क्या ले रही है? छोड़ दे, कॉपी बंद कर दे, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। नाउ टेल मी, अंदर क्या ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन ले रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ रहे हैं? CO2। CO2। दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के दो स्टेप्स हैं। कौन से दो स्टेप हैं? कौन सा स्टेप इनहेलेशन है, कौन सा एक्सहेलेशन है? टेकिंग इन ऑक्सीजन इज इनहेलेशन की एक्सहेलेशन? इनहेल, इनहेल। एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल। एक्सहेल। वेरी गुड, वेरी गुड निखिल, बैठो बेटे। यस, सेकंड स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, आ जाओ आ जाओ। व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, बैठो। चलिए अब हम लिखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है। राइट ऑफ, ब्रीदिंग इसका आंसर। ब्रीदिंग इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट ऑफ CO2 रिच एयर, इट इज ब्रीदिंग। नाउ सेवंथ बी, सेवंथ बी में आ जाइए बेटा। गुरिंदर, नो गुरिंदर सेवंथ बी, यू हैव टू टेल मी कि इज ब्रीदिंग अ फिजिकल प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन?
से, किसी की बात नहीं सुननी है, आपने खुद बताना है। हाँ, ब्रीदिंग फिजिकल है कि केमिकल है? क्या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है अगर केमिकल है तो? देखो दोबारा से मैं बता रही हूँ, फिजिकल में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल में नया प्रोडक्ट बनता है। नॉट चल, हाथ में पकड़ो उस लड़की को, क्यों दिया हुआ है? होल्ड द माइक इन योर हैंड। हाँ अब बताओ, इज इट ए फिजिकल प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन? केमिकल बताओ कि हवा अंदर लेके जाना, बाहर देना, क्या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है? हवा की जगह कोई पानी बन रहा है या कुछ और बन? रिएक्शन यस और नो, यस और नो, सम न्यू, इज सम न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड? बेटा सेवंथ बी में पीछे बॉयज, सर ये देखो पीछे लास्ट में जो तो चार बॉयज बैठे हैं, इनको अलग अलग करो। व्हाट आर दे डूइंग? चलिए, तो दिस इज बेटा क्या है, कौन सी प्रोसेस है, जल्दी से बता निखिल। निखिल नहीं, गुरिंदर। हाँ बट एवर, चलो मैंने नाम गलत बोल दिया, बट टेल मी, फिजिकल केमिकल? बैठो बैठो। सो इट इज ए, यहाँ पे लिखना है सबने कि इट इज ए ब्रीदिंग, इज ए, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये स्टेप नहीं लिखोगे पेपर मैंने बनाना है तो, इसलिए चेक करना है, तो इसलिए आधे नंबर मिलेंगे अगर ये नहीं लिखोगे। तो ब्रीदिंग पहले डेफिनेशन, देन ब्रीदिंग ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, एंड थर्ड पॉइंट, ब्रीदिंग अकर्स बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स आ जाते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, लिखो ये तीनों स्टेप्स याद होने चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग कहां से हो रही है? नाक से हो रही है, उसके बाद विंड पाइप आ जाएगी, उसके बाद लंग्स आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी। और कॉलम्स बनाते हो ना आप, यहाँ पे ब्रीदिंग के ये तीन पॉइंट्स लिख लेंगे, ये तीनों पॉइंट्स। और अगर हम बात कर रहे हैं सेल रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनो पहले, देन राइट। सेल रेस्पिरेशन एज द स्टूडेंट हैज टोल्ड मी कि इट इंक्लूड्स या इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी, बिकॉज ग्लूकोज टूट रहा है। जल्दी से सारे बोलो, इज इट ए केमिकल की फिजिकल प्रोसेस? केमिकल सेल रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है, अंडरलाइन करो इसको। एंड थर्ड पॉइंट, सेल रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है, ये सभी सेल्स में है। इट अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी।
मार्क्स क्वेश्चंस में ये अगर अलग से आए, ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है, ठीक है? और ये तीनों स्टेप्स आपको लिखने हैं। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या सभी बच्चों को समझ आ गई ये क्या है? लिख लिया सबने? यस एवरीबडी, टीचर्स बस ये देखें कि सब बच्चे लिख ले। देन नेक्स्ट इज हाउ डाइजेशन एंड सेल रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम ईच। ठीक है? हाँ एक्सक्यूज जी, मी मैम, व्हाई ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सिंपली ऑक्सीजन इज गोइंग इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट, देयर इज नो रिएक्शन। कोई चीजें कंबाइन नहीं कर रही, कोई चीज टूट नहीं रही, सिर्फ अंदर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है वो अंदर जा रही है। कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई दो चीजें कंबाइन नहीं कर रही, कोई दो चीजें टूट नहीं रही। इज इट ओके? ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो तभी होगा ना जब डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करेंगे या दे ब्रेक। यहाँ पे कोई चीज कुछ ऐसा नहीं, ठीक है? इज इट ओके? नाउ यस, हु विल टेल मी, ये एक वॉलंटरी क्वेश्चन है, हु विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड सेल रेस्पिरेशन? बिकॉज एनिमल न्यूट्रिशन यू हैव नॉट डन, सो व्हाट इज डाइजेशन? चलिए अब थोड़ा सा, कैन एनीबडी टेल? हाँ मैम, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड डाइजेशन? मैम, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इट सप्लाइज इन द बॉडी। नो, लिसन नो एवरीबडी, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? देखो बेटा, स्टार्च, स्टार्च क्या है? बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स, हाँ इधर देखो, माइक के साथ मत छोड़ो, माइक छोड़ दो। ये क्या है? बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स है, ये रेड रेड जो ये बीड्स है ये ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स है, और ये थ्रेड से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है? और डाइजेशन में क्या होता है कि ये थ्रेड यहां से ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, राइट? सो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स फूड। And it breaks to form, ये बॉन्ड्स बीच में टूट गए, और ये क्या है? दिस इज ग्लूकोस, सिंपल। इसी तरह से प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फूड है, छोटे छोटे किस्में टूट जाते हैं, अमीनो एसिड्स। सो राइट डाउन, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, एवरीबडी, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल फूड। ऐसे दो कॉलम्स बना लो। हम बात कर रहे हैं पहले डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल फूड। आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, इसके नीचे लिख लो कॉम्प्लेक्स फूड।
यहाँ पे डाइजेशन हो रही है और क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, इन डाइजेशन नो एनर्जी इज रिलीज, कोई एनर्जी नहीं बाहर निकलती है। इन डाइजेशन नो एनर्जी इज रिलीज। थर्ड पॉइंट, डाइजेशन अकर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन अकर्स इन, और कहीं डाइजेशन नहीं हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। डाइजेशन अकर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेवंथ बी, बेटा माइक ऑफ रखो थोड़ा सा। देन नेक्स्ट इज दूसरी कॉलम में सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन, यू नो इट इज बर्निंग ऑफ। यहाँ पे ग्लूकोज बर्न होता है बेटा, टूटता है तो जो है सो है, बर्न होता है। इट इज, लिख लो एवरीबडी, सेवंथ बी गर्ल्स राइट डाउन, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। इट इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन का फंक्शन ही है, इट रिलीज एनर्जी। सेवंथ बी बेटा लिख लो बेटा। और थर्ड पॉइंट, सेल रेस्पिरेशन, डाइजेशन तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में है, सेल रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। सेल रेस्पिरेशन, थर्ड पॉइंट इज सेल रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, व्हाई रेस्पिरेशन, पूरी रेस्पिरेशन जिसमें सारे स्टेप्स आते हैं, अल्टीमेट सेल रेस्पिरेशन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इफ द रेस्पिरेशन स्टॉप्स द ऑर्गेनिज्म डाइज। हम कहते हैं सांस लेना बंद हो गया, ये इंसान मर गया है, क्लिनिकली डेड। ठीक है, सांस लेना बंद हो गया, इसकी ब्रीदिंग बंद हो गई। एवरीबडी हियर, सेवंथ डी बॉयज। ठीक है, सो रेस्पिरेशन, व्हाई स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन कॉजेज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, व्हाई रेस्पिरेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट। यस, सेवंथ सी, सेवंथ सी में अक्षिता, अक्षिता इज देयर, सेवंथ सी। बेटा माइक ऑन करो और फिर मुझे बताइए व्हाई रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपका जूम से ऑफ है बेटा। चलिए बाकी के बच्चे लिखें, क्वेश्चन लिखो, व्हाई रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लिखो और आंसर बताओ। जूम से बेटे, जूम में जो नीचे ऑडियो आता है। हाँ अब बोलो, व्हाई मैम रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट बेटा। मैम बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा। सिंपल आंसर इज रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी फॉर डूइंग
वेरियस एक्टिविटीज। सो दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, चलिए। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, एवरीबडी स्पीक आउट लाउड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग अकर्स विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग किसकी हेल्प से हो रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आपने कल थोड़ा सा होमवर्क किया होगा, डायग्राम बनाया होगा, तो ये देखो, अदरवाइज लिखो और बाद में चाहे बनाना, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट डाउन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहां से शुरू हुआ? नेजल चैम्बर से। जो फटाफट डायग्राम बना सकता है वो बना ले फटाफट। तो क्या आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एवरीबडी हियर, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये क्या है? ये है नेजल चैम्बर्स। दिस इज अवर नोज, इट ओपन्स इनटू नेजल चैम्बर्स, राइट? देन दिस इज माउथ एंड दिस इज ए कॉमन पैसेज। अगर आप मुंह खोलोगे ना तो पीछे आपको क्या नजर आएगा? एवरीबडी, अगर एक दूसरे का बाद में क्लास के बाद मुंह देखना, जो मुंह में पीछे, जो सबसे पीछे जो पैसेज है वो ये वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फेरेंक्स। कॉमन पैसेज है, ध्यान से देखो इधर, इट इज ए कॉमन पैसेज। यहां से फूड आ रहा है, यहां से एयर आ रही है, एंड आफ्टर दैट अगेन व्हेन यू विल सी हियर, आप दिस इज ये क्या है? ये है विंड पाइप, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को ये लीफ शेप इस तरह से है, इसने कवर किया हुआ है। व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज एपिग्लॉटिस। उसके बाद दो पाइप्स आ जाएंगी, पीछे मुंह खोलो तो वहां पे अंदर जाके दो पाइप्स दिखती तो नहीं है, बट वहां से पीछे से दो पाइप्स आ जाएंगी, ये डिवाइड हो जाएगा टू पाइप्स में। दिस इज फूड पाइप एंड दिस इज ट्रेकिया, विंड पाइप। विंड पाइप आगे टू ब्रांचेस में डिवाइड हुई,
दिस इज ब्रोंकाई एंड इट ओपन्स इनटू लंग्स. दिस इज लंग्स. ये कौन सा है? ये है राइट लंग. आरटी मतलब राइट, आप पूरा लिखोगे. एंड दिस वन इज लेफ्ट. तो इफ वी वॉन्ट टू राइट द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट है नेजल चैम्बर्स, उसके बाद है पेरेंट्स, देन ट्रेकिया विंड पाइप. ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई किस में जा रहे हैं? लंग्स में जा रहे हैं. दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्विकली क्विक. अगेन, जिसने अगर रहता है, किसी का डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, तो वो वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे, के एडुकॉन ई लर्निंग, उस चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकता है और डायग्राम बना सकता है. ये हमने अभी बात की है कि आउट ऑफ, यस, आउट ऑफ ब्रीदिंग एंड सेल रेस्पिरेशन, विच इज ए फिजिकल एंड विच इज ए केमिकल प्रोसेस. पता सबको है. सेवंथ डी में से आई वॉन्ट टू आस्क, दैट इज विशाली. विशाली आ जा बेटा जल्दी से, अभी बताया अभी आप, है ना? तो मुझे सिर्फ आपने ये बताना है बेटा कि ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल है कि केमिकल है. ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं, CO2 रिच एयर बाहर निकाल रहे हैं. फिजिकल यस, वेरी गुड. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस. एंड सेल रेस्पिरेशन, केमिकल इज ए केमिकल प्रोसेस. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वैशाली, बैठो बेटा. इस सेल रेस्पिरेशन विशाली के बाद आ जाइए अर्नव. अर्नव सेम क्लास. अर्नव बेटा, सेल रेस्पिरेशन, यू नो, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ. सेल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेट्स एनर्जी. एनर्जी बाहर लिबरेट कर रहा है. नाउ टेल मी बेटा कि इस सेल रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंजियोथर्मिक है? वेरी एक्सोथर्मिक गुड, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. लिख लो, सेल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सेल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? अब हमने जल्दी से, मुझे सेवंथ डी में वी आर बेटे राइटिंग क्वेश्चंस. लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ये लिख लो कि रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. नो, सेवंथ डी, मंजोत. मंजोत इज देयर? यस मैम. मंजोत जल्दी से मुझे अपना ये बता दो, हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं फटाफट से. ये क्या चीज है? ये तो माउथ है. ये क्या है? वन, नाजल कैविटी. नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर. बिल्कुल ठीक है.
चलिए आपने कहा नेजल कैविटी, दिस इज ऑल्सो राइट। दिस कॉमन पैसेज, क्या है ये कॉमन पैसेज? फेरामैक्स। हाँ फेरेक्स, फेरेक्स, वेरी गुड, इट इज फेरेक्स। देन इट डिवाइड्स इनटू, ये क्या है जहां पे हवा जा रही है? विंड विंड पाइप। पाइप, वेरी गुड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विंड पाइप? ट्रेकिया, ट्रेकिया। वेरी गुड। एंड इट डिवाइड्स इनटू टू प्रोसेसेस, क्या नाम है इनका? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई एंटर इनटू लंग्स, लंग्स। वेरी गुड। बैठो बेटा, एंड रिमेंबर दैट इन ह्यूमंस, राइट डाउन एवरीबॉडी, इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ऑर्गन्स आर लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ये सारी चीजें आ जाती है, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? एक ही होगा ना, एंड दैट आर लंग्स। लंग्स। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं, ये आपने सबको, आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, ये आपने लिखना है। सो वेयर लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स जो है वो कैविटी रिब केज में, चेस्ट के अंदर, इंटरनेट। रिब केज में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको दिखा दें रिब केज क्या है। कैन यू सी इट? आप यस सबको दिख रहा है? यस सबसे पहले ये जो आगे की बोन नजर आ रही है ना, जिसके ऊपर आपको शायद ये ब्लैक कलर का कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, वन, विच इज दिस बोन, दिस इज चेस्ट बोन, ठीक है। आगे क्या, केज की तरह से है ये, केज आपको पता है, पिंजरा, पिंजरे की तरह से है, बंद है सब तरफ से। आगे क्या है? दैट चेस्ट बोन दिख रही है आप सबको। पीछे यस क्या है ये देख रहे हो आप? लंबा सा पीछे है बैक बोन। बैकबोन। बैकबोन दोनों को किसने ज्वाइन किया हुआ है, चेस्ट बोन और बैक बोन को? रिब ने ज्वाइन किया, केज ने, रिब्स ने, ये साइड में आपको जो हिंदी में हम क्या देते हैं, पसलियां। सो व्हाट इज दैट? दैट इज रिब्स। इज इट ओके? सिक्स ने। यस क्लास में पढ़ा हुआ है, 12th पेयर ऑफ रिब्स। यस तो अगर हम देखें तो विच बोन्स फॉर्म द रिब केज, तो कौन कौन सी बोन्स है? दैट इज चेस्ट बोन, बैक बैकबोन। बोन एंड रिब्स। ओके, तो रिब केज में लिख लो विच बोन्स, राइट डाउन क्वेश्चन, विच बोन्स, सिक्स का है बेटा ये, तो सिक्स में आपने किया है, विच बोन्स फॉर्म द रिब केज। फर्स्ट इज चेस्ट बोन, सेकंड है बैकबोन। एंड थर्ड है रिब्स। यू कैन सी हियर, दिस इज, ये चेस्ट बोन है पीछे की तरफ, बैकबोन है, और रिब्स जो है ये दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। हाँ बेटा मुझे पता है, बट हम ये थोड़ा सा फटाफट से करें। व्हाट इज प्रेजेंट इन द रिब केज या फिर चेस्ट कैविटी, क्या कुछ प्रेजेंट है? मैम लंग्स। फर्स्ट है
आंसर इज, फर्स्ट इज लंग्स, आपको दिख रहे हैं, और सेकेंड इज हार्ट, वेरी गुड। और भी चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रेजेंट होती है, बट अप टू योर लेवल, राइट डाउन लंग्स एंड हार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ, राइट डाउन आउट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लंग, विच इज स्मॉलर? एंड लेफ्ट यस, आंसर इज लेफ्ट लंग। इट इज लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, वेरी गुड। लिख लिया जल्दी से, मैं आपको इमेज दिखा दूं कि कैसे हार्ट और लंग्स अरेंज्ड है। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, व्हाई? बिकॉज इट हैज टू अकोमोडेट हार्ट, इसको हार्ट के लिए जगह देनी है। हार्ट हमारी कौन सी साइड में है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड में है हार्ट, इसलिए लेफ्ट लंग स्मॉल है। डन, करें आगे? यस यू कैन सी हियर, ठीक है, ये मैंने आपको, दिस इज, है ना, ये जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, दिस इज चेस्ट कैविटी एंड यू कैन सी हियर, देखो ध्यान से देखना है, कैन यू सी, आपको दिख रहा है ये? यस ये देखिए, ये नेजल, ये येलो कलर में, मस्टर्ड कलर में है नेजल वाला, और ये है माउथ वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो पाइप्स नजर आ रही है, ये फूड पाइप आ जाएगी, ये विंड पाइप आ जाएगी। दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट, ठीक है। ये वैसे ही फोटो है, ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, अगर हम किसी की चेस्ट कैविटी खोलें तो यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है? दो लंग्स है, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट। हार्ट इज इट ओके? दिख रहे हैं आपको हार्ट बीच में नजर आ रहा है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन लिख लो और ये आप करके आएंगे, राइट ऑफ। कैन यू सी हेयर, नाक में क्या है ये? नेजल हेयर, यस और नो? यस वाली बात नहीं है, सभी के है, और किसी के नहीं हो तो वो गलत बात है, राइट? बिकॉज दीज आर प्रोटेक्टिव। सो राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेजल हेयर? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेजल हेयर? बॉय 7B, लिख लो क्वेश्चन बेटे, मैंने आपसे ही पूछना है। आपकी फोटो मुझे अच्छी तरह से नजर आ रही है, आपको मैंने खड़े कर लेना अगली बार, ठीक है। अगली बार हम आंसर लेते हैं, बट पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू सी हियर, ये आपको एज सच कोई क्लैरिटी से नहीं बताएगा बेटा, इसीलिए मैं बता रही हूं कि यहां पे ये देख रहे हो आप पीछे वाली साइड, कैन यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर? ये देख रहे हो आप, एक तो ये पीछे, ये नहीं देखना, ये वाली चीज नहीं देखनी, ये नीचे देखोगे, दिस इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ने किसको कवर किया हुआ है? ट्रेकिया को। और कब कवर करता है? जब हम
फूड खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं अंदर लेके जाते हैं तो एपिग्लॉटिस कवर कर देता है, बट जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस साइड में हो जाता है कि हवा विंड पाइप में चली जाए. सो राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, राइट डाउन गर्ल 7th B लिख लो, एपिग्लॉटिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस विच कवर्स ट्रेकिया, विच कवर्स ट्रेकिया. और लास्ट क्वेश्चन, अगर हमने जब हमने बनाया था ट्रेकिया, आपने भी शायद बनाया होगा विंड पाइप, तो आई हैड ड्रॉन लाइक दिस, दिस इज ट्रेकिया एंड दीज आर ट्रेकियल रिंग्स. सो राइट डाउन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेकियल रिंग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट इन विंड पाइप, प्रेजेंट इन विंड पाइप. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन करके आइए, वी विल डिस्कस दिस एंड वी विल डू ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग नेक्स्ट. ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर. थैंक यू।